ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जहां एक और यूपी में 7 में से 5 फेस में वोटिंग हो चुकी है, तो वहीं मणिपुर में 2 फेस में विधानसभा चुनाव होने, जिसमें से 28 फरवरी को पहले फेस और 5 मार्च को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। 28 फरवरी को पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब 5 मार्च को वोटिंग होगी। 19 मार्च 2022 को सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। मणिपुर में अभी बीजेपी की सरकार है और एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर विधानसभा में ताल ठोक रहे उम्मीदवारों में आपराधिक पृष्ठभूमि वालों की कमी नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार चुनावी मैदान में उतरे 265 उम्मीदवारों में से 53 पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। कौन है प्रत्याशी और क्या है इन पर आरोप, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मणिपुर विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे 265 उम्मीदवारों में से 41 गंभीर अपराधों के मुलजिम हैं। कुल उम्मीदवारों में 20% आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं, जबकि 15% उम्मीदवार गंभीर अपराधों में आरोपी हैं। कुल 265 उम्मीदवारों में से 161 राष्ट्रीय दलों से हैं, जबकि 57 राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दलों के और 17 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 2017 में भी राज्य में 265 उम्मीदवार ही विधानसभा चुनाव में लड़ रहे थे, उनमें से सिर्फ 9 ही आपराधिक रिकॉर्ड वाले थे, जबकि 5 सालों में ही उनकी संख्या करीब 4 गुना इजाफा हुआ है। इसके अलावा मतदाताओं की बात करें तो यहां महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। मणिपुर विधानसभा चुनाव पर एक नजर। मणिपुर में पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक संख्या, मणिपुर में पुरुष वोटरों की संख्या 9,85,119। मणिपुर में महिला वोटरों की संख्या 10,49,639। पिछले चुनाव में सिर्फ 4 उम्मीदवार गंभीर अपराधों के मुलजिम थे, तो इस बार ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 41 है, यानी इसमें भी 10 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। दागी आपराधिक रिकॉर्ड वाले सबसे ज्यादा 13 बीजेपी के हैं, तो वहीं कांग्रेस में संख्या 12 है। इसके अलावा 11 उम्मीदवारों के साथ जेडीयू तीसरे पायदान पर है। कुल उम्मीदवारों का अनुपात लगाएं तो जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी और एनपीपी का प्रतिशत 29, 23, 22 और 13 बैठता है। गंभीर अपराधों में भी भाजपा प्रत्याशी आगे हैं। हत्या, जानलेवा हमला या फिर महिलाओं बच्चों के प्रति अपराध, यानी गंभीर प्रकृति के अपराध रिकॉर्ड में बीजेपी के 11, जेडीयू के 9, कांग्रेस के 8 और एनपीपी के 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि इस बार मणिपुर में किसकी सरकार बनने वाली है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।